सो हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करती हूँ हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। सो फ्रेंड, हम आज आपको बताऊंगा कि कैसे आप पेटीएम कैश पॉइंट कैसे पैसा पे ट्रांसफ़र करना, या तो फ्रेंड किसी टाइम पे आप रिचार्ज करते हो या पैसा ट्रांसफ़र करते हो, आपका कैशबैक मिलती है या तो कैश पॉइंट मिलती है। सो कैश पॉइंट आप कैसे यूज़ करना, सो इसके लिए वीडियो को एंड तक देखना। सो फ्रेंड, इसके लिए आप पेटीएम ऐप्स अभी तक अपडेट नहीं किया तो प्ले स्टोर जाके आप अपडेट कर सकते हो। सो फ्रेंड, इसके बाद आप पेटीएम ऐप्स को ओपन करना, और ओपन करने के बाद ऊपर से देख सकते हो थ्री डॉट पे आप क्लिक करना। क्लिक करने के बाद साइट है, क्लिक करने के बाद आप स्क्रॉल डाउन करना। इसके बाद वहाँ पे लिख देख सकते हो कैशबैक ऑफर, वहाँ पर आप क्लिक करना। सो फ्रेंड, क्लिक करने के बाद इसके बाद देख सकते हो 196 रुपीज़ कैशबैक विन, इसके बाद 3175 कैश पॉइंट जो कि हमें मिला रिचार्ज करने के बाद या मनी ट्रांसफ़र करने के बाद कैश पॉइंट मिला था। सो उसको हमें कैसे रिडीम लगाना है। सो फ्रेंड, इसके लिए आप कैशबैक पॉइंट पे क्लिक करना, और क्लिक करने के बाद सो फ्रेंड इसके बाद देख सकते हो 10 रुपीज़ पेटीएम गिफ्ट बाउचर 1100 पॉइंट से आप 10 रुपीज़ ट्रांसफ़र कर सकते हो। 1100 पॉइंट से 10 रुपीज़, इसके बाद 50 रुपीज़ पे 5000 पॉइंट पे आप 50 रुपीज़ ट्रांसफ़र कर सकते हो। सो फ्रेंड, हम 10 रुपीज़ करके ट्रांसफ़र करूँगा क्योंकि हमारे टोटल कैश पॉइंट 3175। सो फ्रेंड, इसके लिए आप 10 रुपीज़ पे ऊपर क्लिक कर। सो फ्रेंड, क्लिक करने के बाद नीचे देख सकते हो अवेलेबल फॉर 1100 पॉइंट, सो आप वहाँ पे क्लिक करना। के बाद आप कंफर्म बटन पे क्लिक करना। कंफर्म बटन पर क्लिक करने के बाद आपका पेटीएम वॉलेट पे तुरंत ट्रांसफ़र हो जाएगा, 10 रुपीज़ ट्रांसफ़र हो गया। सो फ्रेंड, आप देख सकते हो वहाँ पे लिखा है व्यू पासबुक, आप व्यू पासबुक के ऊपर क्लिक करना। और व्यू पासबुक के ऊपर क्लिक करने के बाद फ्रेंड, इसके बाद देख सकते हो पेटीएम बैलेंस 10 रुपीज़ ट्रांसफ़र हो गया। इसके बाद नीचे देख सकते हो पेमेंट हिस्ट्री पे मनी एड टू पेटीएम गिफ्ट बाउचर। सो फ्रेंड, ऐसा करके आप ट्रांसफ़र कर सकते हो। सो फ्रेंड, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, और हमारे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलिए।